answering this. So question number 61, right? That is the first question that you have asked me in today's class. If BC has n rowed square matrices, okay. N rows hain aur square hain, iska matlab n columns bhi honge. That's very much understood. A is equal to B plus C and BC is equal to CB. Okay, BC is equal to CB. C square is a null matrix. Show that for every n belongs to n, natural number, A raised power n plus 1 is equal to B raised power n. B, ये क्या लिखा हुआ है? ये n plus 1 है. N plus 1 ही होगा मेरे ख्याल से. ये plus है या n minus 1 है? Let me refer to the book. Scanning थोड़ी सी proper नहीं है. मेरे ख्याल से divide तो नहीं होना चाहिए. तो plus है. वही डिवाइड तो होना ही नहीं चाहिए, बट फिर भी एक बार लेट मी प्लीज गिव मी अ मोमेंट. 61 क्वेश्चन. एक्सरसाइज कौन सा है ये बेटा? 5.3. हाँ सर, प्लस ही होना चाहिए. 99% प्लस ही होगा. डिवीजन तो खैर 100% नहीं होगा. 5.3. ठीक है, बिल्कुल सही है. इट इज प्लस ओनली बिकॉज़ और कुछ मतलब नहीं बनता. माइनस एक बार को हो सकता था, दैट वाज द ओनली रीजन मैंने एक बार चेक किया. ठीक है, तो ये प्लस है. दिस सिंबल इज प्लस. आई एम सॉरी, 61 के लिए यहां यहां पे दिस इज प्लस. ठीक है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है. तो ये हमें प्रूव करना है बेटा. इसमें इस तरह एक क्वेश्चन मैंने कल बताया था. व्हाट डू वी यूज पीएमआई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, राइट? व्हेनेवर यू गेट दीस क्वेश्चंस, यू सॉल्व देम इन थ्री स्टेप्स यूजिंग पीएमआई. आई होप यू नो द बेसिक्स ऑफ पीएमआई. What is given to us? The first thing is what is given to us. मैं उसको दोबारा नहीं लिख रहा, सिर्फ यहीं पे हाईलाइट कर देता हूँ. आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे दे रखी हैं, सिर्फ उसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ. This is the first thing which is given to us, that A is equal to B plus C. The second thing which is given to us is that BC is equal to CB. And the third thing which is given to us is C square is equal to a null matrix. ठीक है, जो हमें प्रूव करना है उसको मैं n is equal to 1 के लिए चेक करूंगा, राइट? फॉर चेकिंग n is equal to 1, राइट? स्टेप 1. n is equal to 1 के लिए चेक करने में कोई ज्यादा परेशानी हमें नहीं आनी चाहिए. मैंने यहाँ पे ये a square आ गया, that is coming out to be b, and that is coming out to be b plus n plus 1, that means 2 into c, right? Twice of c. So I hope everything is fine. ठीक है, ये हमें ये प्रूव करना पड़ेगा that this thing holds true. ठीक है, if this thing holds true, तो चलो देखते हैं क्या चीज हमारे पास बन के आ रही है. Let us see this. तो मैंने n is equal to 1 रखा, ये हो गया b और ये n plus 1, बिल्कुल सही. तो a की वैल्यू हमारे पास b plus c है और bc is equal to cb दे रखा है, तो इसके बेसिस पे हमें इसको प्रूव करना है. चलो बेटा देखते हैं प्रूव करके. ये जो चीज मेरे पास आ रही है, दिस इज कमिंग आउट टू बी, अगर मैं b into b करूंगा आई विल गेट b square, और ये वाली चीज बन जाएगी twice of b into c. राइट, बी पहले है और सी बाद में है, तो इस ऑर्डर को हम लोग चेंज नहीं करेंगे. एज वी अंडरस्टैंड दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव. ठीक है, तो अब हमें ये मैंने आरएचएस से शुरू किया बेटा, ध्यान रखना. आई हैव स्टार्टेड विद द आरएचएस, सो अल्टीमेटली आई शुड रीच एट ए स्क्वायर. एन इज इक्वल टू वन हमें प्रूव करना होता है. ठीक है, स्टेप वन. ओके, चलिए देखते हैं क्या यहाँ से पॉसिबिलिटी हो सकती है. अभी मैं ऐसा करता हूँ, गिवन स्टेटमेंट का जो इक्वेशन नंबर 1 है उस पे जाता हूँ. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मुझे बी स्क्वायर और बी सी दिख रहा है, तो यहाँ से कुछ मुझे चांस लग रहा है कि वी कैन रीच सम प्लेस. ठीक है, तो आइए देखते हैं. लेट अस सी, अगर मैं एक्सप्रेशन है मेरे पास, द गिवन थिंग इज प्लस सी स्क्वायर कर देंगे तो बी प्लस सी होल स्क्वायर बन जाएगा. ओके बेटा, वेरी गुड. तो अगर प्लस सी स्क्वायर करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर भी करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, एक तो मेरे पास ये गिवन स्टेटमेंट था, मैंने उसको यहाँ पे रखा. माइट बी इट इज यूजफुल हियर. अगर सपोज करो जैसे आप कह रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर करूंगा तो ठीक है, मुझे माइनस सी स्क्वायर भी करना पड़ेगा. द गुड थिंग अबाउट सी स्क्वायर इज दैट इट इज अ नल मैट्रिक्स. द गुड थिंग अबाउट सी स्क्वायर इज इट इज अ नल मैट्रिक्स. तो डेफिनेटली दिस इज बिकमिंग टू बी, राइट, दिस इज बिकमिंग टू बी बी प्लस सी होल स्क्वायर. ध्यान रखना बेटा, ये वाला एक्सप्रेशन बी प्लस सी होल स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ तभी होता है when BC is equal to CB. Please remember that. It is not always the case. Right? It is not always the case. B square plus 2BC plus C square is not equal to B plus C whole square always.
इट इज ओनली इक्वल व्हेन BC इज इक्वल टू CB. ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है. और सी स्क्वायर क्योंकि तुम्हारा नल मैट्रिक्स दे रखा है, दैट मेक्स थिंग्स वेरी इजी फॉर यू. और आपने ही मुझे हेल्प कर दी पूरी पूरी सॉल्व करने में. B plus C is equal to A, which is equal to A square, which is equal to the LHS. So, Samriddhi, thanks a lot. Right, बहुत आसानी से आपने इसको हेल्प कर दिया मुझे. और इस तरीके से स्टेप वन इज डन. स्टेप टू में कुछ खास करना नहीं होता. यू हैव टू एज्यूम दैट n इज इक्वल टू k इज ट्रू. ठीक है, तो आइए n इज इक्वल टू k ट्रू मान लेते हैं. इसको मैं यहाँ से इरेज करना चाहूंगा. इफ यू वॉन्ट टू टेक अ स्क्रीन शॉट यू कैन, और इफ यू हैव रिटन दैट्स ओके. स्क्रीन शॉट ले लो. ठीक है. नहीं सर, मैंने लिख लिया. ओके, दैट्स फाइन. स्टेप टू में जो भी चीज एज्यूम करनी है, जो भी चीज है, उसको मैं लिख लेता हूँ. एन इज इक्वल टू के लिए इट इज ट्रू. राइट, दैट इज स्टेप टू. वी एज्यूम दैट एन इज इक्वल टू के इज ट्रू. सो इट इज कमिंग आउट टू बी ए रेज टू द पावर के प्लस वन इज इक्वल टू बी रेज टू द पावर के होल मल्टीप्लाइड टू बी प्लस के प्लस वन इंटू सी. Okay, this is assumed to be true. Let's say we call it equation number one. Okay, now we need to prove the final thing, jiski weightage sabse zyada hoti hai. N is equal to k plus one. Hame ye prove karna hai. Theek hai? Yani hame prove kya karna hai? Usko chalo yahan pe likh lete hain. We need to prove that a raised to the power k plus two is equal to b raised to the power k plus one into b plus. अब हर जगह पे k की जगह पे k प्लस वन आएगा, तो क्वाइट ऑब्वियस ये वाली चीज k प्लस टू हो जाएगी. दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव. ठीक है, दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव. अब यहाँ पे भी आई वुड सजेस्ट कि आप इक्वेशन नंबर वन से शुरू करो, जो बिकॉज ये आपने एज्यूम करा दैट इट इज ट्रू. लेट अस मल्टीप्लाई इक्वेशन वन विद ए ऑन बोथ द साइड्स. राइट, लेट अस मल्टीप्लाई इक्वेशन वन विद ए ऑन बोथ द साइड्स. ठीक है, so you can write that in your answer sheet. It's a typical school question. You can write that properly. Multiplying with a on both the sides. With a on both the sides. And या फिर in equation one, whatever you want to write in equation one. So अगर मैं a से इसको multiply करता हूँ, I get the required LHS, which is a raised to the power k plus two. ठीक है, the good thing is that. And on the right hand side, I multiply. तो ये बन गया मेरा a b raised to the power k, and that is b plus k plus 1 c whole multiplied. ठीक है, that is what where we reach. ओके, हमें अल्टीमेटली यहाँ पे k plus 1 इसको इस फॉर्म में लेके आना है. तो मैं कुछ खास नहीं करूंगा बेटा, मैं इस b के जगह पे, इस a की जगह पे जो इक्वेशन वन थी हमारी, दिस वन थी ओरिजिनल थिंग, a इज इक्वल टू b प्लस सी. मैं इस a इज इक्वल टू b प्लस सी से यहाँ पे राइट साइड, बिकॉज लेफ्ट साइड पे तो हमें वो अचीव हो गया जो हमें प्रूव करना है. दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव. ठीक है, तो अब इसके बाद अब सिर्फ कैलकुलेशन ही रह गया है. ठीक है, तो मैं लेफ्ट साइड को तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहा, एज वी हैव ऑलरेडी रीच द कल्मिनेशन पॉइंट. सो राइट हैंड साइड पे मैं इस a की जगह पे b प्लस सी रखने वाला हूँ. मैंने b प्लस सी रखा, ये b प्लस k आ गया, और ये वाली चीज एज इट इज अभी मेरे पास b और a प्लस वन इंटू सी है. ठीक है, जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले ये b से मल्टीप्लाई होगा, जब ये b से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे b raised to the power k plus 1. Again, that should boost our confidence. अच्छा हाँ ठीक है, ये वाली चीज हमें मिल रही है जो चाहिए. ठीक है, तो मैंने इसको, इस b को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये वाली चीज आ गई, और ये पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज आ गया, which is b into k plus 1 into c. और अब इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं सी से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, प्लस के साथ आएगा बेटा. ठीक है, मैं इस सी को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बी को मैंने बाहर ही मल्टीप्लाई किया बिकॉज ये मुझे बाहर ही चाहिए था. ठीक है, तो मैं सी को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. जब मैं सी को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो बाहर मेरे पास बी रेज पर के ही रहेगा, और इन साइड आई हैव सी इंटू बी, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज बी इंटू सी एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. राइट, एंड फर्दर यू गेट वॉट के प्लस वन इंटू बी इंटू सी. और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपकी जो चीज बची, राइट, दिस थिंग, यहाँ जब मैं इसके साथ इसको कॉमन लूंगा तो ये वाली चीज मुझे क्या देगी, दिस विल गिव अस k प्लस वन.
ठीक है, ये मुझे कितना दे दी, के प्लस वन यहाँ पे है और यहाँ से जब ये कॉमन आएगा तो क्या लूंगा, के प्लस टू बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली तुम्हें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन और रह गई है, कैन यू डू डैट, कुछ नहीं करना है अब, सिर्फ ये वाली चीज जीरो बन जाएगी और यहाँ पे ये कॉमन ले लेना है, दैट्स ऑल। हाँ सर। 61 could have been done like that. Shall I proceed ahead? Yes, sir. Tell me any other question of this exercise. Anyone, any question of this exercise? Just screenshot लेना था सब कुछ लिए स्लाइड का। Question number फिर से बोलना बेटा। Just screenshot लेना था सब कुछ स्लाइड का। Last exercise का। Akshit, who is speaking? Akshit is speaking. Akshit. आवाज तो अक्षित जैसी लग रही है। यस सर, तो मुझे बस स्क्रीनशॉट लेना था, ले लिया सर मैंने। इसको तुमने किसको तुमने किसी और मेथड से किया था? स्क्रीनशॉट लेना था। अच्छा स्क्रीनशॉट, ओके स्क्रीनशॉट ले। अच्छा फाइन। तो ये तुम्हारी माइक बड़ी अच्छी नहीं चल रही है, कौन सा माइक यूज कर रहे हो? सर ब्लूटूथ वाले हेडफोन पे सर प्रॉब्लम आती है। ब्लूटूथ वाला है तब ये केबल यूज क्या करो ना, यू शुड हैव केबल, सी द केबल, इट इज द कनेक्टिविटी इज बेटर। चलो एनीवेज दैट्स फाइन, नो इश्यूज, राइट। ठीक है बेटा, तो आओ चलो क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस अभी आगे करते रहना है, राइट। आई होप आप ये क्वेश्चंस आपने ट्राई किया होगा, अगर कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो, राइट। अदरवाइज थोड़ा सा बेसिक्स हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे, राइट। ये इस एक्सरसाइज में पार्टिकुलरली काफी क्वेश्चंस थे, राइट। इनमें से बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस भी कर ली है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मैंने कल आपको बताया था, इसमें हमने ये पढ़ा था दैट व्हेनेवर यू इंटरचेंज द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स इट बिकम्स अ ट्रांसपोज ऑफ अ पार्टिकुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइए इसमें हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे आज। इसकी प्रॉपर्टीज भी शायद मैंने आपको कराई होंगी कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका मैंने ट्रांसपोज लिया और उस ट्रांसपोज का फर्दर ट्रांसपोज लेंगे देन वी गेट व्हाट द ओरिजिनल मैट्रिक्स, ठीक है। अगर कोई स्केलर मल्टीप्लीकेशन है किसी मैट्रिक्स का और उसका फिर हम लोग ट्रांसपोज ले रहे हैं, इट इज लाइक कि आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन बाद में कर लेना, पहले आप ट्रांसपोज कर लो फिर स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर लेना। अगर ए प्लस बी दो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले रहे हो, इट इज लाइक कि आप इंडिविजुअली दोनों का ट्रांसपोज लेकर के फिर ऐड कर दो। फोर्थ वन मैंने बताया भी था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसमें स्टार लगाया होगा जरूर से, ठीक है। कभी भी अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन और उसका ट्रांसपोज करते हो, ध्यान रखना इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। इफ इट वॉज ए बी होल ट्रांसपोज इट विल बिकम बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज मल्टीप्लीकेशन, दी द ऑर्डर चेंजेस, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसके क्वेश्चन जरूर मिलेंगे तुम्हें, स्पेशली बोर्ड एग्जाम में तो क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, ध्यान रखना इसको, ठीक है। अभी क्वेश्चन भी करेंगे, डेफिनेटली हमें एक्सरसाइज में मिलना चाहिए इस पर। Now, the next thing that we are going to study today is symmetric matrix and skew symmetric matrix, right? ये भी बहुत छोटी सी easy सी चीज है जिसको हमें समझना है, example के साथ समझ लेंगे। पहले आओ थोड़ा इसकी theory देख लेते हैं, फिर इसमें example भी देख लेंगे। A square, ये ध्यान रखना, अगर कोई आपका square matrix है तो ये उसके लिए ही applicable है, ठीक है। Symmetric और skew symmetric matrix के लिए applicable है, square matrix के लिए applicable है। तो अगर आपके पास कोई square matrix है, right, जिसका आप ट्रांसपोज लेते हो, बिकॉज देखो एक बात ऐसे भी समझ में आनी चाहिए ना कि अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर ऑब्वियसली बात है कि उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल होगा ही नहीं, बिकॉज नंबर ऑफ रोज और नंबर उसका ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा। इफ इट इज अ 2/3 मैट्रिक्स द ट्रांसपोज वुड बी व्हाट 3/2, तो कभी वो इक्वल हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही दैट मेक्स सेंस कि हाँ उसको किसके लिए पढ़ रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पढ़ते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, व्हेनेवर द ट्रांसपोज इज इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स वी कॉल इट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है तो हम उसी को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और जब कभी भी जो उसका ट्रांसपोज है वो अगर उसका नेगेटिव बन जाता है तो इसी चीज को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ट्रांसपोज करने पे सेम चीज आई बट नेगेटिव साइन के साथ आई, सबके साइंस चेंज हो गए, ठीक है, जो प्लस था वो माइनस बन गया, माइनस वाली चीज प्लस बन गई, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें सिर्फ दो हैं। पहली चीज ट्रांसपोज क्या होता है, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं, दैट इज ट्रांसपोज। दूसरी चीज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पढ़ते हैं, वी स्टडी फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, रीजन बीइंग रोज और वो इंटरचेंज कर देंगे तो कभी ट्रांसपोज के इक्वल हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही इसको पढ़ते हैं। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर किसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया, इफ इट इज इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स वी कॉल इट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड व्हेनेवर the transpose is equal to the negative of the original matrix then it is called skew symmetric matrix, right? That is called skew symmetric matrix. Okay. Itni si baat hame dhyan rakhni hai. Yahan pe ek bahut important cheez hai jo maine yahan chote se note mein likha hua hai.
diagonal elements of a skew symmetric matrix are zero. This has been asked in CBSE. और कोई बड़ी बात नहीं है, ISC में भी पूछ सकते हैं, ठीक है? It's a school level question and it's a good question, important one, right? Easy है, important है school के लिए. Diagonal elements of a skew symmetric matrix are always zero. ठीक है, इसको अभी हम प्रूव करेंगे, आगे नेक्स्ट स्क्रीन पे इसको प्रूव करते हैं. ध्यान रखना है इसको कि जितने भी हमारे डायगनल एलिमेंट्स होते हैं किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में. चलो एक एग्जांपल बनाने की कोशिश करता हूँ. लेट्स से जीरो ए बी माइनस ए जीरो एंड लेट्स टेक सी. ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे चाहिए होगा माइनस बी और यहाँ पे चाहिए होगा माइनस सी और ये बन जाएगा मेरा जीरो. ठीक है, मैंने एक ऐसी रैंडमली एक मैट्रिक्स बनाया जस्ट टू डिस्कस दिस राइट. एग्जांपल से मेरा ये मानना है थोड़ा बेहतर चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं. जब चीज़ें दिखती हैं तो ज़्यादा समझ में आती हैं. तो अगर ए मेरा ये है बेटा तो बहुत आसानी से हमें समझ में आता है कि इसका ट्रांसपोज क्या होगा. रोज और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे. दैट मीन्स दिस जीरो ए बी वुड कम इन द फर्स्ट कॉलम. दैट मीन्स जीरो ए बी. सेकेंड कॉलम में मेरे पास क्या आने वाला है? माइनस ए जीरो एंड सी. माइनस ए जीरो एंड सी. और थर्ड कॉलम में डेफिनेटली मेरे पास क्या आने वाला है बेटा? माइनस बी माइनस सी एंड जीरो. अब क्या ये वाली चीज सेटिस्फाई हो रही है? ए ट्रांसपोज इज नथिंग बट माइनस ऑफ ए. चेक करें, जीरो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस का. ये ए जो है ये प्लस ए था, माइनस बन गया, बी बन गया, ये माइनस था ये प्लस बन गया. तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन. इसी तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं. ठीक है, अगर ये साइंस यहाँ पे सबके सब नेगेटिव या सबके सब पॉजिटिव होते तो डेफिनेटली आपको कौन सा मैट्रिक्स मिलता? आपको उसका ट्रांसपोज करते तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता. ठीक है, ये ध्यान रखना. और अभी एक चीज हमने और क्या देखी कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज जीरो. ये चीज हमेशा जीरो होती है. ठीक है, क्यों होती है? अभी बस नेक्स्ट स्लाइड पे इसको डिस्कस करूंगा. ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. अभी डिस्कस करते हैं. दो थ्योरम्स हैं इस स्लाइड पे, इसको भी डिस्कस करेंगे. फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल एंट्रीज राइट, अगर उसमें रियल नंबर्स हैं, आपको मैंने बताया उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं. ठीक है, तो अगर रियल नंबर एंट्रीज हैं तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. कभी भी आप अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रियल नंबर्स हैं, मैंने आपको बता रखा है एंट्रीज जरूरी नहीं है सिर्फ रियल होंगे, अगर कुछ फंक्शन है या फिर आपके कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये वाली चीज थ्योरम वन वहां पे सेटिस्फाइड नहीं करेगी. ठीक है, दिस इज ट्रू ओनली व्हेन यू हैव रियल एंट्रीज, रियल नंबर्स हैं. ठीक है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज विल ऑलवेज बी व्हाट विल गिव अस अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. हमेशा चाहे वो मैट्रिक्स कैसा भी हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर तुमने उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स में ऐड किया है, तुम्हें हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा. और कभी भी तुम अगर उसका डिफरेंस लोगे a माइनस a ट्रांसपोज, यू विल ऑलवेज गेट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स राइट. दैट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर स्टडीइंग हियर. ठीक है, अब इन सब पे एग्जांपल्स देखते हैं. आगे क्या कह रहे हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज दिस. देखो, कभी भी अगर हमें किसी मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक, अब ये हमने अभी भी पढ़ा कि ये चीज क्या होगी, ये हमें क्या देगी, ये हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देगी. और उसका डिफरेंस क्या देती है हमें? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देती है. ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, बोर्ड का ये एक टिपिकल क्वेश्चन है राइट, पूछा रेगुलर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से है. ठीक है, एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो आप ध्यान से देखिए, जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये ए ट्रांसपोज प्लस वाला माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा और ये बचा 2a/2 व्हिच इज एक्चुअली व्हाट इज ए. तो ये एक ही बात है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन सिर्फ ध्यान में रखने वाली चीजें होती हैं राइट. कुछ चीजें बोर्ड में हमें इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप टर्मिनोलॉजीज को मेथड्स को जानते हो राइट. सीबीएसई में स्कोर करना एक चीज है और नॉलेज डेवलप करना एक अलग चीज है. ठीक है, हम हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि हम दोनों चीजों को इक्वल इंपॉर्टेंस दें. ठीक है, चाहे सीबीएसई है या आईएससी, बोर्ड में स्कोर करना एक चीज है और नॉलेज डेवलप करना अलग चीज है. तो दोनों चीजों को हम साथ में लेके चलना चाहते हैं. ओके, आइए इन पे क्वेश्चंस करते हैं सो दैट वी अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर. जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रखा है. Express the matrix A as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. Right? तो बहुत आसान है, वही काम करेंगे, कुछ खास नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे? हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे बेटा. ध्यान से देखना कैसे करते हैं.
मैं इसका ट्रांसपोज ले लूंगा. आई एम प्रीटी श्योर ऑल ऑफ यू कैन डू दिस बट स्टिल आई विल डू इट फॉर यू राइट. कुछ थोड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे तो वो आपको मैं दे दूंगा. ये इजी वाला है तो मैं कर देता हूँ राइट. अच्छे क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा. 7, 3 and 5 दैट इज 7, 3 and 5 एंड देन 1, 2 and 4 सारे रो को मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया एंड आई गॉट दिस. ठीक है, मुझे सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चाहिए. तो वी अंडरस्टैंड कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमें क्या देगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा. विल गेट द सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और ए माइनस ए ट्रांसपोज और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं बिकॉज ये वाला एग्जांपल हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं. हालांकि बहुत इजी है बट स्टिल थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं सो दैट देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी कंफ्यूजन. सो इफ आई ऐड देम वी नो वी ऐड एलिमेंट बाय एलिमेंट. ठीक है, सो 2 प्लस 2 दैट इज कमिंग आउट टू बी 4. 4 plus 7, which is 11. 6 plus 1, that is 7. Right? Yeah, I have seen 7 plus 4, that is 11. 3 plus 3, that is 6. 5 plus 2, that is 5 plus 2, that is 7. So 1 plus 6, that is 7. 2 plus 5, that is 7 again. 4 plus 4 is 8. So I hope you easily see that this is a symmetric matrix. If I can do rows or columns interchange, I'm going to get the same thing. Get exactly the same thing. 7, 7, 8, exactly the same thing. अगर मैं इनका डिफरेंस लेता हूँ ए और ए ट्रांसपोज का, आइए ये भी देखते हैं कितना आ रहा है. 2 माइनस 2 दैट इज 0 राइट. 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 दैट इज कमिंग आउट टू बी माइनस 3. 6 माइनस 1 विच इज 5. 7 माइनस 4 दैट इज 3. 3 माइनस 3 दैट इज डेफिनेटली 0. 5 माइनस 2 दैट इज 3 अगेन. 1 माइनस 6 विच इज माइनस 5. 2 minus 5, which is again minus 3, and 4 minus 4, that is 0. यहाँ पे एक बात तो तुम्हें clearly समझ में आती है कि हाँ कभी भी जो skew symmetric matrix है, उसके principal diagonal के जो elements हैं, वो definitely हमारे पास 0 है. और अगर तुम्हें दिख रहा है कि अगर मैं इसका इसमें अगर मैं transpose करता हूँ, if I do the transpose of this, तो exactly मुझे क्या मिलेगा? ये वाली चीज inverse negative element मिल जाएगी. यहाँ पे मेरे पास 3 आ जाएगा, यहाँ पे minus 5 आएगा. ये 3 की जगह माइनस 3 बन जाएगा, ये माइनस 5 की जगह प्लस 5 बन जाएगा. तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गेट व्हाट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन इन केस आई डू द ट्रांसपोज ऑफ दिस थिंग. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन वाज टू एक्सप्रेस देम एज अ सम. सो व्हाट इज दैट, वी जस्ट लर्न दैट. व्हाट इज दैट, ए इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज हाफ प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज. मैथमेटिकली आपने अगर इस बात पे ध्यान दिया है कि हम लोग कुछ और नहीं, हम ए ही है बिकॉज ए ट्रांसपोज ऐड हो रहा है, ए ट्रांसपोज सब्सट्रैक्ट हो रहा है. अल्टीमेटली इट इज ए राइट. मैथमेटिकली इट इज ऑल द सेम. बस कुछ खास नहीं करना बेटा, बस यहाँ पे लिख दो एंड इट इज डन. टू से डिवाइड करना चाहो तो कर दो, कर देना चाहिए बिकॉज जनरली स्केलर को स्कूल एग्जाम में इसके भी मार्क्स होते हैं. तो मैं ये स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूंगा कि आप इस टू से इसको डिवाइड कर देना एलिमेंट बाई एलिमेंट प्रॉपरली, ऐसे टू से डिवाइड करके रख देना. कुछ खास नहीं करना है, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 11 बाई 2 हो जाएगा राइट. मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, दैट इज 7 बाई 2. सिमिलरली 11 बाई 2 दैट इज 3. 7 बाई 2, 7 बाई 2, 7 बाई 2 एंड 4 प्लस. राइट इट हियर, स्पेस कंस्ट्रेंट, सो राइट इट हियर अगेन डिवाइडिंग दिस बाई 2. 2 से ये हो गया 0, दैट इज माइनस 3 बाई 2, 5 बाई 2, प्लस 3 बाई 2, 3 बाई 2, माइनस 5 बाई 2, माइनस 3 बाई 2 एंड 0. तो इस तरीके से यू हैव डन द जॉब. दैट वाज एन इजी क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. लेट मी सी द हैंड्स इफ देर इज एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन एनीवन. अगर क्लियर है तो फिर हाथ ऊपर कर दो. If it is okay, then just raise your hand. So, वो हमने a is equals to half of a plus a transpose वो वैसा क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए लिखा है बेटा, because questions जब आपको ये आते हैं ना, that you are supposed to express a matrix as the sum of symmetric and skew symmetric, right? तो जब आपको ये बोला जाएगा कि किसी भी matrix को as a sum of symmetric and skew symmetric आपको express करना है, तो हमने अभी अभी एक चीज देखी कि कभी भी किसी भी matrix को स्क्वायर मैट्रिक्स को जिसमें रियल एंट्रीज हैं ठीक है, अगर मैं उसके ट्रांसपोज के साथ उसमें ऐड करूंगा तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा, आई एम गोइंग टू गेट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, और कभी भी अगर कोई मेरे पास सिंपल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें रियल एंट्रीज हैं,
अगर मैं उसके ट्रांसपोज से उसका डिफरेंस लूंगा, आई विल ऑलवेज गेट व्हाट, अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो व्हेनेवर दे आस्क अस कि हाँ ऐसा कुछ तुम्हें करना, मैंने बोला ये चीजें बिल्कुल मेथड को बेस, देखो स्कूल में ना वो चीजें भी सिखाई जाती हैं जिससे कि आपकी बेसिक थियोरी भी इम्प्रूव हो, ठीक है. जबकि कॉम्पिटिशन और लाइफ में ऐसा नहीं होता है, थियोरी अच्छी है या नहीं है, आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अच्छे होनी चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पे फिलहाल थियोरी और हर चीज पे फोकस होता है, इसीलिए इन चीजों को भी समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है. एक चीज मैं तुम्हें बार बार कह रहा था कि ये चीज सीबीएसई और आईएससी बोर्ड के क्वेश्चंस में आ रखा है, व्हाट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो. ये प्रूव करने को दिया था, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड एज अ प्रूव, प्रूव दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो. आइए उस क्वेश्चन को भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं. इफ यू वॉन्ट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन यू कैन. For I erase this and I use it for to discuss that board question. So I would like to erase it. Fine. Let's see. Now in this particular case, when we are supposed to calculate, अभी इसमें हमें क्या question हमने बनाया था? Let me check this exact statement. Diagonal elements, right? Fine. We need to prove that. ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है, तुम्हें आरडी शर्मा में मिल जाएगा, आरडी शर्मा शायद सॉल्व में दे रखा है, ये प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन है. प्रूव दैट डायगोनल एलिमेंट्स इन सब क्वेश्चन से पता है प्रॉब्लम क्या है, समझ में तो आ जाता है कि हाँ होगा ही होगा, बट प्रूफ कैसे करें, रिप्रेजेंट कैसे करें आंसर शीट में, दैट इज वेयर वी स्ट्रगल. तो इन चीजों को भी सीखना साथ साथ जरूरी है, राइट. Prove that diagonal elements of a skew symmetric matrix. ठीक है, मैंने इसको ऐसे ही शॉर्टकट में लिख दिया. I hope it is clear to you. Prove that diagonal elements of a skew symmetric matrix are zero. ठीक है, are zero. Okay. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है. तो in order to prove this, what do? We take a square matrix. ठीक है. हम लोग एक square matrix लेते हैं. Which is assumed as a skew symmetric matrix. ठीक है, ये चीज क्या assume की जाती है कि ये skew symmetric matrix है. कोई भी square matrix है, right? जैसे मैं A11, A12 and so on. एक general matrix ही ये लेना चाहिए generally. पर कभी भी मैंने ये बात बार-बार आपको कही, कभी किसी चीज को प्रूव करना हो तो एक जनरल चीज पे प्रूव करो. डिस्प्रूव करना है कोई भी एग्जाम्पल लेकर किसी भी पॉइंट पे तुम डिस्प्रूव कर दो, इट इज डिस्प्रूव्ड. इन मैथमेटिक्स देयर आर नो एक्सेप्शंस चिल्ड्रन. If something is disproved at a point, it is not considered to be true. Okay? If something is true at every point, on a general point, it is considered to be true. कोई भी चीज अगर एक point पे भी गलत है तो वो गलत है. ठीक है? So, A, let's say m by n ले रहे हैं, तो चलो ये nth हम लोग कॉलम ले लेते हैं, and so on, right? आप इस तरीके से mth रो और फर्स्ट कॉलम and so on. आप इस तरीके से you can assume any matrix of the order m by n. Right, sorry, मुझे n by n लेना चाहिए था, because it is always a square matrix, right? मुझे definitely n by n लेना चाहिए. तो मैंने n by n into 1 चाहिए, right? nth column, nth row and first column. तो मैंने ये n by n का इसको भी थोड़ा सा better represent कर देता हूँ, a n by n. ठीक है, I've taken a matrix of nth order, ठीक है, n by n, where we need to prove that अगर ये skew symmetric है तो इसका डायगनल एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा. अब बेटा अगर कोई भी इस क्यूब, मैं आई विल टेक एनी जनरल टर्म, लेट्स से आई कंसीडर ए आई जे. ठीक है, ए आई जे इज एनी जनरल टर्म. इफ इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए आई जे विल डेफिनेटली बी इक्वल टू व्हाट, इसके ट्रांसपोज में स्क्यू सिमेट्रिक है तो नेगेटिव के इक्वल हो जाएगा. दैट मींस अगर जब मैं इसका रो और कॉलम इंटरचेंज करूंगा तो माइनस साइन के साथ ए जे आई के इक्वल होगा. Someone is saying something. Please tell. Ayush शायद बोल रहा था कुछ. कुछ बोल रहे थे, बोलो बेटा. Okay, that is fine. So सबसे पहली बात हमें ये समझ में आनी चाहिए कि अगर कभी भी हमें square matrix को ये prove करना है कि अगर वो skew symmetric matrix है तो उसके diagonal elements zero होंगे. तो हमें ये देखना है कि भाई ये square matrix है और ये skew symmetric भी है. Skew symmetric है का मतलब क्या है कि A I J ith row and jth column, इसमें जो हमारा एलिमेंट है वो किसके इक्वल होगा, ए जे आई, यानी जे जब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो वो नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए एज पर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक. ठीक है,
सो एज ठीक है बाई डेफिनेशन ऑफ ये तुम यहाँ चाहो तो लिख लेना ठीक है स्कूल एग्जाम में इन चीजों के मार्क्स हैं बाई डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है आप ये लिख सकते हैं तो फॉर एनी एलिमेंट ऑन द डायगोनल फॉर एनी एलिमेंट ऑन द डायगोनल क्या होगा आई इज इक्वल टू जे होगा नहीं एनी एलिमेंट ऑन द डायगोनल क्या होने वाला है आई इज इक्वल टू जे राइट डायगोनल में ए लिखना चाहिए था मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स में जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है उसकी पोजीशन डेफिनेटली क्या होती है इक्वल होती है ना दिस इज ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री तो आई इज इक्वल टू जे होगा तो अगर आई इज इक्वल टू जे हो गया तो मेरे पास ये इक्वेशन कितनी बन गई ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई ओके इफ आई सॉल्व इट फर्दर वेरी इजिली वी कैन से दैट यस ट्वाइस ऑफ ए आई आई इज इक्वल टू जीरो एंड दैट इज व्हाई इन जनरल ए आई आई इज ऑलवेज जीरो अभी हमने एग्जाम्पल में भी ये बात देख ली थी लेकिन हाँ उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है ये बात भी कहीं ना कहीं आपको आनी चाहिए आई होप इट इज क्लियर एवरी वन That's a very basic thing and I hope it is clear to everyone. Okay, if it is not clear, you can use the mic or the chat box. Else, I'm moving ahead. Okay? Easy hai, toh main zyada aapse nahi pooch raha. Mujhe lagta hai aapko samajh mein aa raha hai. Aayi, let's move to the next exercise which is 5.4. I don't believe ki aapne 5.3 pura pura kar liya hai. Kar liya hai toh bahut achhi baat hai. Aur agar nahi kiya hai toh koi baat nahi. Usko finish karo time le karke. Koi mujhe ye nahi hai. Main tumhein hamesha ek baat kehta raha hun. Right? Rose 10 से 20 क्वेश्चंस करने की हैबिट रखो बेटा मैथमेटिक्स में अच्छा करने का बहुत सिंपल सा सिस्टम है दैट बी रेगुलर बी कंसिस्टेंट इनफैक्ट इट अप्लाइज टू एवरी सब्जेक्ट एंड एवरीथिंग इन लाइफ इफ यू आर रेगुलर एंड यू आर कंसिस्टेंट यू आर गोइंग टू डू एवरीथिंग राइट जिस चीज में भी आप रेगुलर हो आप कंसिस्टेंट हो आप उस चीज में हमेशा अच्छा करोगे ऑलवेज ठीक है तो आप कितने घंटे पढ़ रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता चार घंटे पढ़ रहे हो आठ घंटे पढ़ रहे हो कुछ नहीं मैटर करता ये चीजें बिल्कुल मैटर नहीं करती आप कितना पढ़ रहे हो ये मैटर करता है तो लेट्स मेक इट वेरी क्वांटिटेटिव लेट्स द नंबर बी वेरी क्लियर टू यू इफ यू आर सॉल्विंग 10 टू 20 क्वेश्चंस पर डे इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी डे होली दिवाली योर बर्थडे योर पेरेंट्स एनिवर्सरी व्हाटएवर इट इज ठीक है तो यू कैन ऑलवेज बी श्योर कि तुम बोर्ड में 97 प्लस लेके आने वाले हो 98 99 100 इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं फिर आगे की चीजें थोड़ी और भी चीजों पर डिपेंडेंट है अगर आप इस नंबर को बढ़ा करके 15 टू 30 पहुंचा देंगे तो आप बोर्ड में 98 प्लस तो ले ही आएंगे साथ साथ आप अपने आईआईटी में भी अच्छा कर लेंगे राइट अपने आप को आंसर करना मुझे आंसर करने की जरूरत नहीं है तुम इतना भी नहीं कर रहे होगे रोज अभी किसी दिन टीचर ने जोश दिला दिया तो कर लिए बाकी तीन दिन के बाद फिर वो जोश हल्का पड़ जाता है तो प्लीज मेक श्योर राइट प्रॉमिस टू योर सेल्फ दैट यू आर गोइंग टू डू इट एवरी सिंगल डे राइट जितना भी काम हो रहा है इतने क्वेश्चंस करो एक्साइज हैं एमसीक्यूज हैं आपकी अपनी पर्सनल टेक्स्ट बुक है आईएससी बोर्ड वालों की अपनी है वो उनको भी करो वहाँ से भी डाउट पूछो डाउट्स तो मैं हर जगह ही बताता हूँ ना वो भी कर लिए तो उसके बाद फिर आईआईटी क्वेश्चंस लगाओ इंटरनेट है तुम्हारे पास ठीक है तो प्लीज मेक श्योर बट प्रायोरिटाइज करे करो मैं हमेशा कहता हूँ काम को प्रायोरिटी दीजिए कि हाँ पहले ये वाले क्वेश्चंस फिर ये वाले क्वेश्चंस एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस मैं हमेशा आपको प्रायोरिटाइज करने को कहता हूँ आर डी शर्मा हम पूरा पूरा करा ही रहे हैं आपको तो इस तरीके से प्रॉपरली हर चीज को लेके चलोगे तो मार्क्स स्कोर करना कहीं ना कहीं अभी से एश्योर रहेगा डोंट लीव एनीथिंग फॉर द लास्ट मोमेंट चिल्ड्रन ठीक है आइए लेट अस सी सम क्वेश्चंस नाउ एनफ ऑफ मोटिवेशन आई बिलीव इवन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीचिंग टाइम टू टाइम आपको इस तरह के डोज देने की कोशिश करता रहता हूं लेट्स सी सो इन दिस क्वेश्चन दे आर सेइंग दैट ए इज अ मैट्रिक्स बी इज दिस मैट्रिक्स विद दीज एंट्रीज राइट ये नंबर्स हैं You need to verify this. इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आइए हम लोग कर लेते हैं जैसे चलो रैंडमली ये थर्ड वाला पार्ट करते हैं ठीक है Let us do the third part. Easy है कुछ खास नहीं करना सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है फटाफट से करते हैं ये द फर्स्ट थिंग इज एल एच एस में देखता हूँ तो एल एच एस पे मुझे ये दिख रहा है Children, my internet went off, so just give me a moment. Let's see.
screen. Okay. So all of you can see me now. थोड़ा सा इंटरनेट मेरे एंड से अभी स्लो होगा बिकॉज मैंने अपने मोबाइल डेटा से कनेक्ट किया है. द ब्रॉडबैंड इज डाउन. राइट सर, वीडियो पॉज हो गया या फिर डिस्कनेक्ट हो गया. इज इट फाइन नाउ एवरीवन? इज इट ओके इफ यू कैन सी मी? जस्ट रेज योर हैंड इफ यू इट्स वर्किंग प्रॉपर्ली. यस सर, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन. थोड़ा सा मेरे ब्रॉडबैंड में कुछ कनेक्टिविटी हो गई थी तो बहुत कॉपी है. थोड़ा सा अब है ना लास्ट के 10-15 मिनट थोड़ा तुम्हें परेशानी होने वाली है बिकॉज मैंने अपने मोबाइल डेटा से कनेक्ट किया है तो हो सकता है थोड़ा बीच में परेशानी हो. बट लेट्स ट्राई टू फिनिश इट. इजी है, करते हैं. ज्यादा परेशानी होगी तो मुझे बताना. जस्ट ड्रॉप अ मैसेज टू मी, आई विल रीड इट. ओके, जनरली मैं फोन साइड पर रख देता हूँ बट क्योंकि अभी इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो फोन मेरे पास ही है. ओके, सो लेट मी नो. चलो, मैंने मोबाइल से हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लिया है विच इज नॉट वेरी गुड इन दिस एरिया. Broadband is down. I don't know. It's immediately down ho gaya. Okay, let's see. We were discussing the third part of the first question. So I said, इसमें LHS से शुरू करते हैं, right? ये सब easy questions हैं बेटा. कहीं से कहीं कोई problem नहीं होती आपको. A minus B मैं straight away लिखना चाहता हूँ. So 2 minus 1, that is 1. Minus 3 minus 0, that will be minus 3. Minus 7 minus 2, that would be minus 9. And 5 minus 4, that would be plus 9. ये मेरे पास LHS अभी आया है. ये A माइनस बी है और इसका मैंने अभी ट्रांसपोज करना है. तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसका ट्रांसपोज चलो यहीं पे छोटा सा लिख लेते हैं. राइट, ट्रांसपोज में ये हो गया 1 माइनस 3. रोज और कॉलम इंटरचेंज कर रहे हैं बेटा. ये आपका माइनस 9 इधर आ गया और ये प्लस 9 इधर आ गया. दैट इज योर LHS. नाउ मूविंग ऑन टू दी RHS. दी RHS दे आर सेइंग दैट इट इज A ट्रांसपोज. राइट, लेट मी राइट इट हियर एज दी RHS. A transpose minus B transpose. That is what we need to do. So I'll take the transpose of A. I'll write it directly here. So 2 minus 3 would be taken. And minus 7 and 5 would be taken like this. If I take B, the transpose A and 0. And that would be 2 and minus 4. Okay? Agar main isko subtract karta hun, toh that should be equal to the LHS. Let's see. 2 minus 1, that is 1. Minus 7 minus 2, that is minus 9. Minus 3 minus 0, that is minus 3. 5 minus ka minus 4 is definitely plus 4, that is coming out to be plus 9. From equation 1 and 2, we can say yes, it is true. Okay, so it's a very easy question. I'm sure aap sabko samajh mein aa gaya hoga. Is my internet connecting properly? Sahi se chal raha hai tum logo ka? Koi lag to nahi aa raha beta? Yes, sir. No, sir. Okay, that's good. That means the Jio has improved. Fine. Credit to Jio, no credit to me. Okay, so इस तरीके से तुम ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो. 3x3 का है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होगी. मतलब ये तुम्हारे लेवल का क्वेश्चन है. डू इट अभी नहीं, बाद में कर लेना. ठीक है, ट्रांसपोज लेकर के फिर बहुत पेशेंटली इसको मल्टीप्लाई करके देखना. फाइंड A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, वेरीफाई डैट. अच्छा, वेरीफाई डैट क्या है? वेरीफाई डैट A प्लस B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू दिस. वही वाली चीज है, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, बस ये ध्यान रखना. ठीक है, इसी तरीके से आइए इसमें कुछ और क्वेश्चन करते हैं. एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन और करें. एक कोई ठीक ठाक सा ले लेते हैं और एक थोड़ा सा लेवल टू में भी देख लेते हैं क्या दे रखा है. ठीक है, तो आइए दो क्वेश्चन करते हैं. लेट्स सी. इसके बाद बेटा आपके पास एक एक्सरसाइज और है जो हमें देखना है. राइट, एक्सरसाइज 5.5. दैट इज अगेन अ वेरी स्मॉल एंड ईजी एक्सरसाइज. इसको आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. कोई ज्यादा इसमें कुछ नया नहीं मिलने वाला आपको. ठीक है, बेसिक्स आपने आज इंटायरली फिनिश कर लिया है. यानी कल की जो क्लास होने वाली है दैट विल बी मेनली ऑन योर डाउट्स, टू डिस्कस योर डाउट्स. प्लस अगर कुछ डाउट्स आपके एंड से मुझे नहीं मिले तो मैं अपने लेवल पे कुछ और क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा. ठीक है, ध्यान रखना. तो कल की क्लास में वी आर नॉट मूविंग अहेड, वी विल बी डिस्कसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस. सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व एज मेनी एज यू कैन एंड ब्रिंग द डाउट्स इन द क्लास. ठीक है, आप मुझे बता देना, व्हाट्सएप पे शेयर कर देना कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने, तो मैं एग्जैक्टली उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस कर दूंगा. क्लास का फोकस थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाता है पहले से बता देने से. लेट अस सी द सिक्स्थ सेकंड पार्ट. लेट्स सी व्हाट इज दिस. फॉर मैट्रिसेस ए एंड बी, ए और बी यही जो ऊपर दे रखे हैं वो वाले या फिर ये वाले? डेफिनेटली ये वाले. ठीक है, जो यहाँ पे दे रखे हैं ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस. ये आपको प्रूव करना है. हालांकि ये प्रॉपर्टी होती है, मैंने तुम्हें बताया था, ये प्रॉपर्टी कई जगह तुम्हें मिलेगी. ठीक है, तो आओ कर लेते हैं. कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन है, कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी चाहिए. मैंने बताया इसमें कुछ खास है नहीं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में, सिर्फ कैलकुलेशन की प्रैक्टिस ही है. और मैं तुम्हें एक बात ये बता दूं कि जो अच्छे बच्चे भी होते हैं वो भी यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक्स कर ही देते हैं, इसीलिए आप ध्यान रखिएगा.
कि आप प्रॉपरली इसमें कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो दैट इज ए, और ए बी ट्रांसपोज चाहिए. तो मैं ऐसा करता हूँ कि क्यों ना मैं यहाँ पे ए बी पहले निकाल लूँ. लेट मी कैलकुलेट ए बी. सो दैट इज ए एंड लेट मी राइट बी. बी इज 1, 4 and 2, 5 राइट. विच क्वेश्चन आर वी डिस्कसिंग? वी आर डिस्कसिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. सो लेट अस मल्टीप्लाई दिस. आई एम श्योर अब इसमें हम सब लोग कंफर्टेबल हैं. द फर्स्ट रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स वुड मल्टीप्लाई टू द फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स. सो 1 × 1 and 3 × 2 कितना हो गया? 7. ये एलिमेंट के लिए दिस विल मल्टीप्लाई टू द सेकेंड कॉलम. सो 1 × 4, 4 and 15 कितना हो गया बच्चों? दैट इज 19. इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया? 2 2s are 2 1s are 2 and there is 8. 8 + 2 that is coming out to be 10. इधर मल्टीप्लाई किया तो 8 and 8 + 20 I think that is 28. तो आपने ए बी निकाल लिया और आपको एक्चुअली ए बी का ट्रांसपोज करना है. तो ठीक है, मैंने यहाँ ऊपर ट्रांसपोज लिख दिया और इसका ट्रांसपोज इज कमिंग आउट टू बी 7, 10, 19, 28 राइट. हमें क्या प्रूव करना था? हमें ये प्रूव करना था, दैट इज द एलएचएस राइट. राइटिंग इट एज द एलएचएस और इसको तुम इक्वेशन बन कह दो, व्हाटएवर. नाउ लेट अस सी द आरएचएस. आरएचएस में कहाँ चला गया? यस, B transpose into A transpose. So B transpose. Let us do the transpose directly. ये स्कूल में तुम प्रॉपरली थोड़ा स्टेप्स को फॉलो कर लेना. मैं भी एक स्टेप्स में स्किप कर रहा हूँ. यहाँ मुझे कायदे से B और ऊपर ट्रांसपोज लगाना चाहिए था जैसे यहाँ पे है, ठीक है. बट मैं भी यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ. सर आवाज कट रही है. सर आवाज बहुत कट रही है आपकी. अच्छा, आवाज ज्यादा कट रही है क्या? ओके, लेट मी सी इफ माई ब्रॉडबैंड इज कनेक्टेड. यस सर. Give me a moment. देखता हूँ ब्रॉडबैंड अगर कनेक्ट हो गया तो अभी देखता हूँ. सिग्नल तो आ रहे हैं. Let me check. Right. तो अभी आवाज आ रही है properly? I've shifted to the broadband again. Back to the broadband. Yes sir. अभी clear हो गया होगा ना, थोड़ा अच्छा हो गया होगा. ठीक है, that's fine. तो ये मैंने यहाँ पे B का ट्रांसपोज कर लिया राइट. दैट वाज B 1, 4 और 2, 5 मैंने लिख लिया. इनटू A का ट्रांसपोज. आई होप द प्रॉब्लम इज डन नाउ राइट. 1, 3 और 2, 4 मैंने लिखा. अभी कुछ नहीं करना बेटा, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने का तरीका हमें आता है राइट. दिस वुड बी मल्टीप्लाई टू दिस. तो ये हो गया आपके पास 1 और ये बन गया 7 ठीक है. यहाँ अगर मैं इसको नेक्स्ट मल्टीप्लाई करूंगा 2 और 4 ये कितना बन गया? 10. इधर इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4, 5 को 1, 3 से तो ये कितना हो गया मेरे पास? ये हो गया 15 और 15 प्लस 4 कितना आ गया? 19 एंड दिस विल बी व्हाट? 8 एंड 20 व्हिच इज 28. तो फ्रॉम 1 एंड 2 यू कैन ऑलवेज से दैट यस इट इज इजी एंड इट इज डन. ओके, कमिंग टू वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. इज इट फाइन चिल्ड्रन? आई होप द इंटरनेट इज फाइन नाउ. आई कुड कनेक्ट बैक टू द ब्रॉडबैंड नाउ. राइट. यस सर. फाइन बेटा, दैट्स गुड. So let us see one more level 2 के question. देखते हैं क्या दे रखा है इसमें. Let's see this question. मैं erase कर रहा हूँ. If you want to take a screenshot, you can. Okay. So 10th question में यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है? यहाँ पे इन्होंने दिया है that LIMINII is equal to 1, 2, 3. Denote the direction cosines of three mutually perpendicular vectors. अब देखो vectors के बारे में अभी शायद मैंने तो तुम्हें नहीं पढ़ाया है. अगर तुम्हारे physics वाले sir ने तुम्हें पढ़ाया है तो अच्छी बात है right. कोई बहुत tension नहीं है, बहुत easy है right. Vectors is a very very interesting and a very important topic of your syllabus right. Vectors और 3D हमेशा हम लोग साथ में बात करते हैं. जब भी हम लोग vectors की बात करते हैं mathematics में तो साथ में हम लोग 3D की बात करते हैं. आपने जब physics में इसको पढ़ा होगा तो teacher ने आपको सिर्फ vectors ही करा होगा because उतना आपके physics के लिए काफी है. बट फिजिक्स में आप यहाँ पे शुरू करते हो ना, दैट इज जस्ट 10% ऑफ मैथमेटिक्स राइट. उसमें अभी 90% आपको और ऐड करना है ताकि आप बोर्ड के काबिल हो जाओ और जब उसको भी अच्छे से कर लोगे तो फिर आप कॉम्पिटिशन के काबिल भी हो जाओगे ठीक है. तो अभी मैं ये आई कैप, इसमें आई कैप दे रखा है ना, तो ये कुछ और नहीं होता, ये एक्स कोऑर्डिनेट का. चलो इसको रहने देते हैं राइट, बिकॉज मैंने वेक्टर्स तुम्हें नहीं कराया ठीक है. एक आप में से एक कॉमर्स वाले भी है, आप में से एक जना एक कॉमर्स का भी है. बिल्कुल. जो साइंस वाले हैं उनको डेफिनेटली पता होगा बिकॉज वो बेसिक वेक्टर्स पढ़ चुके हैं ठीक है. तो मैं इस क्वेश्चन को फिलहाल अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ ठीक है. ऐसे क्वेश्चन हमें वहाँ पे भी आगे भी मिलेंगे तो कोई टेंशन नहीं है. जब वेक्टर्स करेंगे तो इसको देख लेंगे, कोई बहुत घबराने की और या फिर कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं ठीक है.
नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपके पास है 5.5, इसमें भी कुछ खास नहीं है बेटा, आपको ये प्रूव करना है दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो कुछ नहीं करना, सिंपली तुम्हें ये प्रूव करना है। इसमें तुम क्या करोगे, इसमें ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लोगे, लेट से यू कॉल दिस बी, ठीक है, लेट से यू कॉल दिस बी, तो माइनस ऑफ, या फिर तुम ये कह लो कि बी का जो ट्रांसपोज है दैट विल बी इक्वल टू नथिंग बट माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये चीज तुमने अगर प्रूव कर दी तो आपने ये प्रूव कर दिया। ये सब ऐसे ही 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं आपके पास, तीन मार्क्स का क्वेश्चन क्या सीबीएसई में तो नहीं होता है, बिकॉज़ 1 मार्कर्स होते हैं, 2 मार्कर्स होते हैं, 4 मार्कर्स होते हैं और 6 मार्कर्स होते हैं, ठीक है। दिस इज द मार्किंग स्कीम, देयर इज नो 3 मार्क्स क्वेश्चन हियर, तो इस तरीके से आई थिंक ये 2 मार्क्स से ज्यादा में तो नहीं आना चाहिए, ठीक है, बहुत इजीली इसको आप प्रूव कर सकते हैं। इज इट ओके एवरीवन? यस सर, आई होप दैट्स फाइन। इसी तरीके से बेटा और भी ये सब इजी क्वेश्चंस हैं, राइट, विच यू कैन इजीली सॉल्व विद वेरी लेस एफर्ट्स, राइट। कुछ क्वेश्चंस अगर कहीं कुछ चैलेंजिंग दिखे तो हम लोग डेफिनेटली उसको अभी डिस्कस कर लें, सो दैट यू हैव लेस चैलेंजेस व्हेन यू आर सॉल्विंग इट एट योर ओन। इफ अ मैट्रिक्स दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नाउ आओ इसको देखते हैं। हालांकि ये भी कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली आओ एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो जाएगी। ए मैट्रिक्स हमें दे रखा है, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका मतलब हमें मालूम है दैट ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए, राइट। डेफिनेटली वहीं से हमारे को एक्स वाई जेड और टी जो भी दे रखा है उसकी वैल्यू पता लग जाएगी, तो ठीक है। इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो को ट्रांसपोज लेने में कोई टेंशन भी नहीं है हमें, एज इट इज फटाफट से स्क्वायर ले लेते हैं। ये मेरे पास है 5 2x, दैट विल बिकम द फर्स्ट कॉलम 5 2x, सेकेंड रो इज y z minus 3, that would become what? That would become the second column. And the third row is 4t minus 7, that would become the third column, 4t and minus 7. So, ye mere paas a transpose aa gaya, kuch nahi karna, element by element equate kar dena hai, to ye to bahut hi easy question ban gaya, right? Matlab ye mere level ka question ho gaya, jo main easy wale questions hamesha kar diya karta hu, ye wahi hai, aur acche wale questions definitely main aapke liye chhod deta hu. तो आप यहाँ पे इसको कंपेयर करके एंड यू कैन टेल दैट व्हिच इज द आंसर, यू कैन से दैट एक्स इज इक्वल टू व्हाट 4, वाई इज इक्वल टू व्हाट 2, राइट। कैन आई से अबाउट जेड, कैन आई से अबाउट जेड, नो वी कैन नॉट से अबाउट जेड, राइट। जेड के बारे में हम कुछ सर्टेनिटी से नहीं कह पाएंगे कि जेड की वैल्यू कितनी, हाँ टी के बारे में कह सकते हैं टी इज इक्वल टू -3, ठीक है, या तुम यहाँ से रीड करो यहाँ से रीड कर लो। जेड के बारे में हम ये कहेंगे दैट जेड इज एनी रियल नंबर, ठीक है, एनी रियल नंबर, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं दैट यस एक्स इज दिस, वाई इज दिस, जेड इज दिस, टी इज दिस। जेड के बारे में एनी रियल नंबर हमें बोलना चाहिए। एक बार देखते हैं आंसर में क्या दे रखा है यहां पे, क्वेश्चन नंबर 3, राइट। हां, से यहां पे इन्होंने दिया है जेड बिलोंग्स टू सी, राइट, जेड बिलोंग्स टू सी, सी आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, दैट इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ और नहीं होता, इट इज अ सुपरसेट ऑफ एनी रियल नंबर, ठीक है। कई बार मैंने ये डायग्राम तुम्हें बना के दिया होगा, नेचुरल नंबर, राइट, होल नंबर, इंटीजर, इंटीजर के बाद रैशनल नंबर, ये आपके इरैशनल नंबर्स, जब रैशनल इरैशनल सबको मिला दो तो ये बन जाता है तुम्हारा रियल नंबर, रियल और इमेजिनरी जब दोनों को मिला दो तो बनता है तुम्हारे पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये जो C है वो कुछ और नहीं है, there is a set of complex number which comprises of all the real numbers plus imaginary numbers. यहाँ पे इन्होंने, हमने इसको बोला that Z can be any real number. इन्होंने बोला Z belongs to C. मेरे ख्याल से हमें real number ही लिखना चाहिए, ठीक है। हालांकि दोनों तरफ वो equal है और वो diagonal पे है तो कोई tension नहीं है, Z के लिए भी वो सही होगा, that means Z is equal to C के लिए भी सही होगा, but generally जो यहाँ पे square matrix हम लोग लेते हैं, right, उसमें हम लोग हमेशा real entries करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। My suggestion is you should write Z is equal to R, right? Or you should say that Z belongs to R. जैसे वहाँ पे Z belongs to, उन्होंने C लिखा है. My suggestion is you write, you go for Z belongs to R. Is that fine, children? Everyone? If it is okay, right. Fine. All good. ठीक है. तो और भी जो questions हैं बेटा, अब आप इनको try कीजिए. ठीक है. ज़्यादा questions नहीं है. बस एक ही एक्सरसाइज था जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, कल की क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि पहले मैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स अच्छे वाले पिक कर लूं, अगर आप मुझे बताओगे तो बहुत अच्छी बात है,
आपको पहले मैं हमेशा आपके डाउट्स को ही प्रायोरिटी देता हूँ, जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो पहले हम लोग जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो भी आपके फर्दर डाउट्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने आपको MCQ भी भेज दिया है बेटा, तो प्लीज मेक श्योर कि आपके पास काम की कमी मैं होने नहीं देता हूँ, राइट। आपके पास और भी बुक्स भी होंगी, बट पहले इस वाले को ढंग से कर लो, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसको ढंग से कर लो, फिर और चीजें भी देखते रहना, ठीक है। सो आई विल स्टॉप हियर एंड लेट्स मीट टुमारो। इफ यू हैव एनीथिंग टू से यू कैन यूज योर माइक एंड यू कैन लेट मी नो।